भाई अपना स्टार्टअप का आइडिया तो बहुत सही है यार, मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है। बस अब तू मान जा, फिर तू और मैं पार्टनर्स। मैं नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा यार, मेरी फैमिली का बहुत प्रेशर है मुझ पे। उनको चाहिए कि मैं एक स्टेबल और सेफ जॉब करूँ। अरे भाई तू समझ ना। सॉरी यार, समझ तू भाई समझ, ये अपना जो आइडिया है वो मिलियन डॉलर आइडिया है यार। ऐसी बार बार लाइफ में अपॉर्चुनिटीज नहीं आएगी, और अभी अगर कुछ नहीं करेंगे तो भाई छोड़ दे, फिर और कुछ नहीं हो सकता आगे। सॉरी, समझ यार। तो कहाँ रह गए, जल्दी आओ। हाँ तो मैं बोल रहा था 9 के पहले आना, क्योंकि बायोमेट्रिक में प्रॉब्लम हो जाएगा और मैं इधर आऊंगा, ठीक है? अगर लेट हो गया तो ब्रेक के बाद आना या फिर सीधा कर जाओ, समझे? हाँ तुम्हारा टेस्ट ये है सर, सिस्टम को चेक करना तो कर लो। सर पासवर्ड You're late on your first day. Hashtag, 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 hashtag. Okay, sir. So, John, this is Kiel. Hi, I'm Karthik. Hey, who's this? And this is Murli. Introduction ho gaya, to kuch kaam bhi kar le. Good morning, guys. Morning, sir. Good morning, sir. So, what are you up to? Nothing much, just last night's study. Okay, yeah. Good morning, sir. Hey, one race. Yeah, not in school or college anymore. Just relax. Just a small greeting with a smile would be okay. Okay, sit down, sit down. So, there's a very important client meeting tomorrow. So, I'll be soon assigning you an important task. So, just confirm with my PA once. And then, very important client. Okay. So, completed by tomorrow first hour. Anyhow, it's very important. So, get going, must get here. क्या हो गया? अपना टास्क 2 दिन पहले खत्म हो गया, तो कुछ होना चाहिए। कौन सा नया आया है सही में? देख सुनो, तुम लोगों को नहीं लगता आजकल लगातार एक के बाद एक हमें टास्क दिए जा रहे हैं बिना ब्रेक के, मतलब बहुत स्ट्रेसफुल हो जा रहा है। सर कुछ बैठ बैठे और एक ही तरीका है पता क्या? चल आ जाओ सर। हाथ नहीं लगाने का, अरे आपको बोला ना। चल एक काम है, ये मस्ती नहीं करने का, सीरियस बात है। बहुत काम आ रहा है हम लोग, बॉस के केबिन में जाना है, पता लगाना है क्या सीन, ठीक है? ऐसा मैं बिग मैम में आ जाते हैं। बस क्या, 500 रुपए इतना चाहिए? ठीक है, सिर्फ आपको बताऊंगा। नहीं नहीं, मैं भी बता, मैं बता, अरे मेरे वॉलेट से निकाल, मानता है यार? ये पकड़ 5 रुपए और हीरो हीरो लोग कैश कर, ठीक है? फिर थोड़े दिन में बताता हूँ। एटीट्यूड देख रहा है इसका, लगता है कि हर चाय वाला पीएम बनेगा। अब मेरी बात सुनो, मैंने सब कुछ पता लगा है। अरे मेरी बात सुनो सब,
अपने वो राजेश्वर सावंत थे ना, थोड़ा आराम से उन लोग ने काम छोड़ दिया। तुमसे हमें क्या? अरे अरे मैं समझा, उनके जगह पे कोई नए एम्प्लॉयज नहीं आए ना अभी तक। हाँ कोई आया भी नहीं, समझा, उन दोनों ने जॉब छोड़ दिया राइट, उनके बदले कोई आया भी नहीं। सो बेसिकली कंपनी हमारे सैलरी में उनका भी काम करवा रही है हमसे, और नए एम्प्लॉयज भी हायर नहीं कर रही है। हाँ एकदम सही। अबे आराम से, वरना लोग ऊपर शक हो जाएगा। गलत तो है, बहुत गलत हो गया। बॉस से बात करके आता हूँ सीधा अभी। अबे रुक, होने दे कार्तिक। नहीं क्या हुआ, क्या बोला उसने? कुछ नहीं रे, मेरे पे बैकफायर किया। तो बड़ा टेबल से याद था, अब क्या हुआ? यहाँ बैठ के बोलना बहुत आसान है, वहाँ पे जाके ना पंच जाती है। इससे अच्छा मैं एचआर में होता ना, बैठे बैठे पैसे कमा लेता। सबकी वही ख्वाहिश। फाइनली मुश्किल लगता खत्म हो गया ना, अब वो फाइनल रिकॉर्ड मुझे भेज दे। पक्का ना ये फाइनल वाला है ना? चलो फिर मैं देख पे जा रहा हूँ, वो आ रहा है मेरे साथ। हाँ चलो मैं कॉल करके आता हूँ। आई होप कुछ खाने में अच्छा हुआ, नहीं तो फिर वापस भी खराब रहेगा। देखते हैं कैंटीन में, वही सेम पोहा खा के दिमाग खराब हो गया है। पोहे से मुझे याद आया, आज सुबह मैंने पोहा ही खाया था। अरे महाराष्ट्र फैमिली में ये प्रॉब्लम रहता है। मैं आया सर। हेलो सर, ये शिफ्ट मी सर, आई सेंड यू द फाइनल कोड, प्लीज चेक इट सर। ओके ओके, आई विल सी एंड आई विल गेट बैक टू यू, आई एम एक्चुअली बिजी राइट नाउ, प्लीज कम लेटर। ओके सर, श्योर सर। तेरा सही है ना, एक महीना पहले ज्वाइन किया और टीम लीडर भी कर गया। वो सब तुम लोग के वजह से, तुम लोग जैसा ट्रेंड है ना इस। अरे हमने क्या किया, चल खाना देखते। आज भी पोहा ही रहेगा यार, वो निकाला अंदर नहीं जा रहा था मेरे। वो चने ना, चने वो लग रहा था गले में। हाँ सच्ची, अभी तक इन्होंने कंपनी ने ना एम्प्लॉय हायर नहीं किया, अभी तक नहीं किया। वर्कलोड अपने पे आ रहा है, इसलिए वर्कलोड बढ़ते ही जा रहा है। वही छुट्टियों पे भी पूरा दिन काम रहता है। I need to have a word with you. Yes, Murli, continue with your work. Okay. I don't think you realize the importance of work in this office. I thought that you are an eligible guy to become a leader in the office, to take over this team. But today, the code that you have sent, I have checked it. I have sent it to the client. But guess what? The code wasn't running. And I said you in the morning in front of Murli as well as that other guy, that this is a very important client. We have to be loyal in front of the client. We cannot lose this customer anyhow. And you, being an, you know, I have given you this kind of leadership and taking that responsibility, you have completely lost faith in me. But you should be, you know, thankful to God that the client have given us a second chance. I hope that you don't ruin my, you know, my image in front of the client this time again. And this time, if it again happens, I will screw you. Remember my words. Get back to work. Sir. Yes. See, don't cry. You need to understand. तुमको अपनी गलती दिख रही है नहीं. Okay. And you need to understand that 2 महीने के अंदर I have given you such a big opportunity to work as a team leader. And you are not understanding what is the role of a team leader. You are not respecting the position. And remember, ये employee card कब तुम्हारा visitors card होगा, you won't understand. So get back to work and remember, you have got second chance. God has given a second chance to you. Okay? Get back to work. It's cool. मैंने तो code run किया था.
कैसे हो गया? मैंने सब चेक किया था, इससे गलती नहीं हुई थी। अरे कैसे इंसान हो यार तुम, अब तक समझे नहीं क्या? क्या बोल रहा है? वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, पर अपनों का पता चल जाता है वक्त के साथ। अब बकवास चलक मार रहा है यार। अरे मेरा मतलब है तुम ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो गए, वो भी अपने दोस्तों के वजह से। कैसे? कार्तिक सर ने पहले से प्लानिंग बनाई थी बॉस के साथ उनके प्रमोशन के बारे में, कि कंपनी का फायदा करा के देंगे, और तभी से ही आपको कंपनी से निकालने की प्लानिंग चालू हो। मतलब मुझे निकाल के कम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से ज्यादा काम करवाएंगे और इसका पूरा प्रॉफिट कंपनी को जाएगा। मैंने कार्तिक सर को देखा था आपका कोड चेंज करते हुए। फिर तभी से ही बॉस को आपके ऊपर गुस्सा करने का मौका मिल गया। और एक और अभी ये देखो। अरे क्या यार तुमको सब समझाना पड़ता है। क्या मतलब तुम्हारा, तुमने क्या समझाया सब? अबे थर्ड इंजीनियर ड्रॉप आउट हूँ मैं, इतनी बेसिक कोडिंग तो मेरे को भी आती है। अरे भिखारी हूँ क्या मैं? रुको अपने पास, तुम कुछ काम आएंगे बाद में। चलो चलता हूँ मैं, आज सीईओ आने वाले बड़े कंपनी। अरे शिव तू भाई, इतने सालों बाद यहाँ पे मिलेगा तू। और कैसा चल रहा है सब? मैंने ये कंपनी के साथ एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट के लिए आया था यार। मतलब तेरा स्टार्टअप चल गया? हां भाई चल गया। क्या अरे बस तो सिर्फ मीटिंग। ओह यस लेट्स कम। ओके सर बाय, मिलते हैं। Can everyone please gather? Please. Everyone please gather. Mm-hmm. Please, everyone, attention please. Yes, what happened? Who was that? सर आपको लगता है कि ये क्यूबिकल्स में 9 to 5 जॉब करना बहुत आसान है? आपको लगता है कि हम काम नहीं करते? सर हम भी उतना ही काम करते हैं जितने फिजिकल लेबरर्स करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उनके ऊपर फिजिकल स्ट्रेस रहता है और हमारे ऊपर मेंटल। ये सर ये जॉब की वजह से हमारे लाइफ के हर एक साइड पे इफेक्ट होता है सर। आवर फैमिली लाइफ्स आर अ मेस बिकॉज दे वुड हार्डली स्पेंड एनी टाइम एट होम। तब हम वीकेंड्स पे भी यही पड़े रहते हैं सर आपको ओवर टाइम करते हुए। और मुरली तेरे मुझसे आवाज तो निकलती नहीं है बात करने के टाइम, लेकिन आप तो बार बार लगा देता है सब में। तू ना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास ज्वाइन कर, इतना बहुत इफेक्ट पड़ेगा तेरे को।
वो किधर है? तेरा फ्रेंड कहाँ पे? हाँ, और कार्तिक तेरा खुद पे कंट्रोल है ही नहीं, तू सिर्फ लोगों को बोल सकता है और चीजें तोड़ सकता है। तू मेडिटेशन कर रोज सुबह उठ के ऑलमोस्ट एक घंटा, देख तुम्हारा तेरा दिमाग शांत रहेगा। और सर आप बोलिए, आप ना हर चीज में डिप्लोमा से देखते हैं, डिप्लोमा से देखते हैं हर चीज में। आप मोदी या फिर योगी तो है नहीं कि आप पूरा देश या फिर स्टेट संभाल रहे हैं, आप सी पैक ऑफिस भीतर संभाल रहे हो, इतना डिप्लोमा से मत दिखाओ सर। यू नो व्हाट सर, ये लो सर आपका जो भी है विजिटर्स कार्ड, आईडी कार्ड, एम्प्लॉय कार्ड, आप रख लो, मुझे नहीं चाहिए। वेट एंड वॉच व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। कल सुबह आपको मेरा रेजिग्नेशन मिल जाएगा, कल ऑफिस टाइम में। Just wait and watch. Shit, well, I hear you're still going on, but things I never did. Maybe you can't see that I'm hard to hold. I know I'm a basket case, you think should be alone. But I still have my friends, don't want you, yeah. But I still have my friends, don't want you. समझ यार, मेरे मामा को समझता नहीं है स्टार्टअप वगैरह। उनको चाहिए कि मैं कॉर्पोरेट ऑफिस में जॉब करूं, क्योंकि मेरी मैं अच्छा पढ़ता हूँ। उनको नहीं समझेगा ये स्टार्टअप की इसमें भी अच्छा फ्यूचर है, समझ जा यार। अरे तो भाई तुझे आज स्टार्टअप ज्वाइन करने कौन बोल रहा है? तू अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ले, फिर भाई दोनों साथ में करेंगे स्टार्टअप अपना। वो अभी क्यों छोड़ रहा है? अभी से क्यों टेंशन लेना है यार? मेरे माँ बाप भी मान जाएंगे बाद में। डिजाइनिंग में, आर्ट्स में, डूडलिंग में भी इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं उनको परस्यू कर पाऊंगा या नहीं। But I still have my friends, don't want you. All I need is them, so you.